नशे के खिलाफ हिमाचल पुलिस द्वारा तैयार की गई ड्रग फ्री हिमाचल ऐप में जानकारी साझा करने वालों की जानकारी को गोपनीय रखी जाती है और ऐप को देखने वाले व्यक्ति को किस नंबर से जानकारी भेजी गई है ये जानकारी नहीं होती है। ये आश्वासन हमीरपुर पहुंचे डीआईजी उत्तरी जोन मधुसूदन शर्मा ने लोगों को दी। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रदेश को ड्रग फ्री करने के लिए कार्य कर रहा है और इसमें गत वर्ष उन्हें काफी कामयाबी भी हासिल हुई है। में एक विशेष अभियान चलाया हुआ है और हमीरपुर में भी पिछले सालों से काफ़ी अधिक जो केस पकड़े गए हैं। मेरा जनता से अनुरोध है कि जो भी सूचना उनके पास नशे को लेकर है वो पुलिस से साझा करें। हमारी एक ऐप भी है ड्रग फ्री हिमाचल, उस ऐप के ऊपर आप जो भी सूचना डालना चाहें डालें। मैं आपको इतना विश्वास दिला दूँ कि जो ऐप को खोलने वाला है उसको भी पता नहीं चलता है कि ये सूचना किस फ़ोन नंबर से और किस व्यक्ति द्वारा दी गई। हम बड़े बड़े तस्करों को पकड़ रहे हैं ऐसा नहीं है, मुख्य तस्करों के बारे में भी हमें सूचना दे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई। डीआईजी उत्तरी जोन मधुसूदन शर्मा ने लोगों से अपील की है कि जनता पुलिस को नशे के खिलाफ चल रही मुहिम में अपना साथ जारी रखे। उन्होंने कहा कि पुलिस ने बड़े तस्करों को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई है। कोई मुख्य उद्देश्य नहीं है, रूटीन दौरा है, एक इंटरव्यू था यहाँ पे माननीय न्यायालय के आदेश से वो लेना है और उसके अलावा जो रूटीन के कार्य हैं यहाँ की जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों पर शर्मा ने कहा कि पुलिस कोरोना को लेकर भी सतर्क है और सरकार के दिए जा रहे निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से कोरोना के नए संक्रमण से बचने के लिए एहतियात बरतने की भी अपील की है। कोरोना को लेकर हिमाचल पुलिस जो है वो गंभीर है और हमीरपुर पुलिस भी इसी तरह गंभीर है। मेरा यहाँ के नागरिकों से ये अनुरोध है कि कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं, जो SOP है, उसका पूर्णतः पालन करें और कोरोना की जो महामारी है, क्योंकि इसका दूसरा फेज आ रहा है, तो उसको उससे बचने के पूरे उपाय करें। जहाँ तक पुलिस का प्रशासन प्रश्न है तो हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं और जो भी उचित कार्रवाई है वो करेंगे। जब समय आएगा तो कर दिया जाएगा, कमी तो हर जगह ही रहती है, उस रिसोर्सेज की कमी सिर्फ पुलिस में नहीं पूरी दुनिया में रहती है, लेकिन जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आएगी तो उसका प्रबंध कर दिया जाएगा।